असला स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7 हाउ आर यू ऑल आई एम मिस अरुबा जमील एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू समर पैक पेज नंबर 71 ऑफ कंप्यूटर तो स्टूडेंट्स क्वेश्चंस करने से पहले देखें यहां पे पिक में ये हमारे पास जो हैंड में है ये है बारकोड स्कैनर और ये किस चीज को स्कैन कर रहा है नंबर्स के ऊपर ये है हमारा बारकोड कोड तो हमारा क्वेश्चन नंबर वन है विच डिवाइस इज यूज फॉर रीडिंग बारकोड बारकोड रीड करने के लिए कौन सी डिवाइस यूज होती है आंसर इज अ बारकोड रीडर इज यूज फॉर रीडिंग बारकोड अ बारकोड रीडर एमिट्स अ लेजर बीम विच रिफ्लेक्ट्स बैक फ्रॉम द प्रिंटेड बारकोड इमेज व्हेन एन आइटम प्रिंटेड विद द बारकोड इज स्कैंड अक्रॉस अ फिक्स स्कैनिंग विंडो और अ हैंडहेल्ड बारकोड रीडर इज मूव्ड ओवर द बारकोड इट्स इमेज इज आइडेंटिफाइड बाय द बारकोड रीडर एंड द डाटाइड इन्फॉर्मेशन लाइक ने कम्प्यूटर यानी कि जो हमारा बार कोड रीडर होता है उसमें से जो रेस निकलती है जब हम अपने किसी प्रोडक्ट को फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी चिप्स का पैक है उसको हम उसके आगे करेंगे तो उसपे जो बार कोड होगा उसको कम्प्यूटर जो है रीड कर लेगा और उसको डिकॉड करके कम्प्यूटर पे डाटा शो होगा कि उसकी उस आइटम का नेम क्या है उसकी प्राइस कितनी है तो बार कोड का जो है ये यूज है इस क्वेश्चन को है आप अपने समर पैक पे नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फंक्शन इज इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन आर प्री रिटर्न फॉर्मूला डेट परफॉर्म स्पेसिफिक कैलकुलेशन यानी के फंक्शंस क्या होते हैं पहले से ही लिखे गए फॉर्मूलाज होते हैं जिससे हम अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं फॉर एग्जांपल सम ब्रैकेट्स का साइन कॉलन ये क्यों यूज होते हैं टू फाइंड द टोटल ऑफ अ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज यानी कि आप इस ब्रैकेट में जो सी भी वैल्यूज लिखेंगे उसका टोटल हो जाएगा इन द अब एग्जाम्पल इन प्लेस ऑफ राइटिंग द फॉर्मूला है ये इज इक्वल टू सी टू प्लस डी टू प्लस इ टू प्लस एफ टू प्लस जी टू यह आप यूज करेंगे फॉर्मूला के लिए लास्ट लाइन देखें वी कैन यूज द सम फंक्शन सम बाय टाइपिंग इज इक्वल टू सम ब्रैकेट सी टू कॉलन G2 ब्रैकेट क्लोज इन द सेल H2 अब H2 जो हमारा है वो सेल है जिसमें हमें आंसर चाहिए तो उसमें हम अपनी ये सारी वैल्यूज C2 से लेकर G2 लिख देंगे बीच में हम कॉलन का साइन लगा देंगे तो हमारा जो है H2 सेल में आंसर आ जाएगा यानी कि हमें सारी वैल्यूज नहीं लिखनी पड़ेंगी क्लास सेवन ये डायग्राम जो है आपने नोट नहीं करनी है मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे शेयर कर रही हूँ सेल्स के नेम जो है वो किस तरह से आते हैं मैंने सी को और वन को सेम कलर से हाईलाइट किया हुआ है ग्रीन कलर से तो जहां पर ग्रीन कलर का जो है रेक्टेंगुलर शेप बन रही है वो है हमारा सी वन सेल इसी तरह से डी और टू को सेम कलर से हाईलाइट किया तो इसका सेल किधर बनेगा डी टू वहां पे ब्लू कलर से हाईलाइट हुआ हुआ देन ई एंड थ्री ई और थ्री का जो है सेल किधर बनेगा वो येलो कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है तो इस तरह से जो है हम सेल्स को नेम देते हैं Okay students that's all for today take care allah hafiz